हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस के एस क्रिएशन। आज हम ट्यूलिप सलवार बनाएंगे। ये मैं 2 साल तक के बच्चे के लिए ट्यूलिप सलवार बनाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है, बड़े अर्ज का कपड़ा है ये। देखिए इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरह से बिछा लेंगे डबल फोल्ड करके। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये बंद साइड है इसकी और ये ओपन वाली साइड है। इधर से बंद साइड से हम इसको कोन की शेप में इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस टाइप से कोन की फोल्ड में हमने इसको फोल्ड कर दिया है दोनों साइड से। ये देखिए हम साइड में इसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, ये देखिए 2 इंच का मार्जिन इधर हम साइड में छोड़ते हुए ये हम आसन के लिए इसमें निशान लगाएंगे, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। देखिए अब हम इसमें नीचे से 2 इंच छोड़ के ऊपर से हम इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। ये देखिए इसकी लेंथ है 20 इंच छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और अब देखिए इसके लेंथ पे हमने टिक लगा लिया है, इस तरह से मार्क करके इसको हम कट कर लेंगे ऊपर से। अब हम इसका आसन के लिए हमने 2 इंच छोड़ा था, ये देखिए यहाँ पे मार्क लगाएंगे आसन के लिए। छोटे बच्चों का आसन 8 इंच या 9 इंच बहुत होता है, तो ये हमने 8 इंच पे मार्क कर लिया है। हम मैं इसमें जो है 1 इंच की पट्टी लगाऊंगी ऊपर, जिसमें इलास्टिक डालूंगी नेफे के लिए, इसलिए हमने नीचे से इसको 7 इंच पे कट कर लिया है। देखिए नेफा को कट कर लिया है इस तरह से। ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। हम इसकी इस तरह से सिलाई भी लगा के दिखाएंगे आपको। एक साइड से बंद साइड है इसको, हम इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से कट कर लिया है, देखिए। अब हम इसमें ऐसे करके नेफे को इसको सिलाई करके दिखाएंगे आपको, देखिए। चलिए इसमें सिलाई लगाते हैं नेफे को। सबसे पहले इसमें हम नेफे को ही जोड़ेंगे इसके। इस सिलाई लगा लिए, इस तरह से हम इसको खोलेंगे और ये हमने खोला है। सेंटर से सेंटर को हम इसको मिला के रखेंगे। ये दूसरी वाली साइड का जो वो है इसको हम इसमें 2 इंच का हमने मार्क गैप लिया था, उसी 2 इंच के गैप में हम मार्क लग कर लेंगे और हम इसको अटैच करेंगे इस टाइप से। देखिए मार्क लगा लिया हमने, ये हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। इसको फोल्ड कर लेंगे पहले थोड़ा थोड़ा, फिर हम इस पर, देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। हम इसमें लैस लगाएंगे, देखिए फ्रेंड्स हम इसमें लैस लगाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए फ्रेंड्स ये नीचे से हम मोहरे के लिए 6 इंच को इसको खुला रखेंगे, बाकी हम इसको अटैच कर देंगे लैस और सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, थोड़ी भी अगर आपकी हेल्प हुई हो इससे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए आपने छोटे बच्चों के लिए इजीली बना सकते हैं इसको। मैंने ये अपनी छोटी बेटी के लिए बनाया है जो 2 साल की है। देखिए इस टाइप से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने लेस को अटैच कर लिया है। अभी मैं इसको आपको ऊपर से भी अटैच करके दिखाऊँगी। दोनों साइड मैंने लेस लगा ली है, इसको हम इसके फ्रंट साइड से इस टाइप से इसको जो हमने 2 इंच की मार्क लिया था उसको हम उसी पे उस मार्क पे आराम से इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसको हम अटैच कर देंगे इस टाइप से। आपको ध्यान से बिल्कुल नीचे कपड़ा दबे ना, इस टाइप से आपको सिलाई को लगाना है। ये 6 इंच की मोहरी छोड़ते हुए आपको यहाँ पर सिलाई पक्की कर लेनी है। ये देखिए हमारी सिलाई पक्की हो गई। मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी 1 इंच का नेफा लगा के, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए है मेरे। देखिए मैंने इसमें नेफा इलास्टिक डाल के तैयार कर लिया है। देखिए मेरी सलवार बन के रेडी हो गई है। देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमारी सलवार बन के रेडी हो गई है, बहुत सुंदर लगेगी ये पहनने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।